लिखा हुआ है हाँ। गाइस एक चीज देखो, सामने से कुछ पता लग रहा है क्या है? कुछ भी पता नहीं लग रहा ना, आ जाओ साइड से दिखाते। ये देख, इतना ज्यादा क्राउड है, कहीं मेले से कम नहीं है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रहे, और गाइस आज हम जाने वाले हैं नोएडा वेद वन पार्क में, और वो पड़ता है सेक्टर 78 में। तो गाइस मैं और भावना ही जाऊंगा, और भावना आ रखी है इसको, उनके वहां पर खड़ी है। तो मैं जाता हूँ, पहले भावना से मिलता हूँ और फिर चलते हैं वेद वन पार्क। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते डायरेक्ट वेद वन पार्क, क्योंकि वहां पर है ना बहुत सारी चीज़ें, रात को भी वाटर शो दिखाते, तो बिल्कुल फ्री है वो चीज़। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो पार्क। तो गाइस हम डायरेक्टली पहुंच गए वेद वन पार्क में, और आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ वेद वन, और हम डायरेक्ट अभी है पार्किंग के यहाँ पर। अरे भावना की हालत ख़राब हो गई देखो गर्मी से, हेलो हेलो तो बोल दो। और इस साइड है एंट्री गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है एंट्री गेट, और हम अभी एंट्री करते हैं। पहले थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं ना, पानी वानी पी लेते हैं पहले, पानी वानी पी लेते और जूस वूस पी लेते फिर चलते अंदर, क्योंकि बहुत सारे ना धूप हो रहा है। और लेजर लाइट का शो होगा 8 बजे और 9 बजे तक बंद हो जाती है पार्क। तो गाइस पहले कुछ खाते पीते और पानी पीते फिर चलते अंदर। A few moments later. तो गाइस हमने पानी वानी पी लिया और कुछ खा भी लिया, और आसपास के एरिया देखो गाइस कुछ ऐसा है, बस बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। तो अभी चलते हैं अंदर, एंट्री गेट है ये मेन एंट्री गेट, यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। ये है गेट नंबर 2, तो 2 नंबर गेट से एंटर एंट्री। ये बुद्ध जी बना हुआ है, मस्त लग रहा है, क्लीन क्लीन सा ये क्या बना हुआ है? ये पीछे जो फोटो खींच रहा है वाली बुक नहीं होती? अच्छा बुक, कहीं भागवत गीता तो नहीं है? भागवत गीता नहीं है, बुक है, वेद वाली लिखा। अच्छा लिखा हुआ है वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद हाँ, सामवेद अथर्ववेद। मस्त लग रहा है ये वाला भी। तो गाइस पूरा पार्क की व्यू कुछ ऐसा है, राइट साइड से चलते पहले है ना, राइट साइड से चलते और देखते क्या क्या। एक चीज तो है पार्क में ना बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। हालांकि यहाँ पर है ना थोड़ा सा दूर है, और आपको यहाँ आने के लिए 101 मेट्रो स्टेशन नियर बाई पड़ेगा, बहुत नज़दीक है, 500 मीटर के आसपास होगा। और बच्चे तो यहाँ पे पूरा खेल कूद रहे मस्त से। आपको गर्मी नहीं लग रही इधर? अभी थोड़ा कम लग रही है गर्मी, क्योंकि अभी थोड़ा छाव हो रही है ना, मतलब थोड़ी बहुत ही धूप हो रही है, तो इसीलिए गाय धूप इधर पूरा पूरा आ रहा है क्या? इनको तो पसीना आएगा फिर भी नहीं आया, झूठ मूठ का बोल रहा है ये। ऐसे तो गर्मी में हालत खराब हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ बना हुआ है। चारों वेदों के बारे में इस पार्क में आपको जानकारी मिल जाएंगे, चारों वेदों के बारे में। इसमें क्या है? हम चलते चलते आगे राइट साइड के, ये है टॉयलेट, और यहाँ पे बच्चों के खेलने की एरिया है, और यहाँ से थोड़ी देर बैठेंगे। यार गर्मी लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बैठे कि घूमे? बैठते हैं थोड़ी देर, चलो इस पे बैठ जाते। तो गाइस हमने थोड़ी देर बैठ लिया, और धूप भी आ गई ना, गिर गए इधर से, धूप हट गए। तो राउंड लगाते यार, आपको थोड़े थोड़े चीज़ें दिखाते हैं है ना, चलते राउंड लगाते। तो बढ़िया सा एक घोड़े बना हुआ है, इसमें फोटो खींचने के लिए कितना भीड़ इकट्ठा हो रखा है। आपको भी खींचना है? नहीं। यहाँ पे 2 ट्रक बना हुआ है, एक पैदल चलने के लिए और साइकिल वाला ट्रक उस साइड पे।
गैस हम एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं आपको अभी, क्योंकि जो बचपन का याद दिला देता है, अगर हम गांव में होते थे ना तो ऐसे ऐसे हम पढ़ाई करते थे जाके बिल्कुल मिट्टी में बैठ के। तो आपको यहाँ पे है ना गुरुकुल बना हुआ है इस साइड में, तो आपको जाके गुरुकुल दिखाते हैं। चलो गुरुकुल दिख के आते हैं। यह बना हुआ है पूरा मस्त। ये गुरुजी बैठे हुए और ये है उनकी किताब रखे हुए गुरुकुल। गैस आपको सामने से दिखाता हूँ क्या है। और मस्त बचपन का याद दिला दिया है ना, मस्त लग रहा है बहुत ज्यादा। अब अच्छा लग रहा है इस साइड का। हाँ। इधर की साइड बहुत बहुत सारे हैं। ये है गुरु, हाँ गुरुकुल है ये। जब सदियों साल पुराने ऐसे ही होते थे, वृंदावन में तो होते ही थे यार बहुत। तो गाइस और देखते हैं आसपास में क्या क्या है। ऋषि मुनियों का ना कुछ लिखा होगा और ये बना हुआ है ऋषि का लिखा है ना। हाँ ऋषि का कोई देवी होगी है। हाँ। कोई देवी होगी ऋषि का नाम की। तो गाइस धूप आप देख सकते हैं पूरा गरम कर दिया बिल्कुल धूप ने। सच में ये बहुत ही प्यारा चीज बना हुआ है नंदी। दूर से पता नहीं लग रहा था, पता है मेरे को लग रहा था कोई मतलब पत्थर रखा हुआ है, बट ये नंदी बना हुआ है। गैस अगर आप पार्क के अंदर के साइड बाइक पार्किंग करना चाहते हो या कार पार्किंग करना चाहते हो तो ये बना हुआ है मंदिर के अंदर के साइड। मुझे लग रहा है ये एक नंबर गेट का होगा, एक नंबर गेट से। और वहाँ चलते हैं। वहाँ है राम जी जैसा ही है ना कुछ बना हुआ है। चलते वो क्या बना हुआ है वो देखते हैं। गैस इसका व्यू देखो कितना गजब तरीके से बना रखे ये चीज़। ये खास के ऊपर बॉडी का वो स्ट्रक्चर। एक चीज़ कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चढ़ना नहीं है, टच नहीं करना, बट लोग तो मानते ही नहीं, इसके ऊपर चढ़ चढ़ के फोटो खींचना होता है इनको। मेन पार्किंग है एक नंबर गेट से है ये पार्किंग, और एंट्री करने के बाद ही नंबर लिखा हुआ है पार्किंग के एंड साइड पे। और ये है पूरा पार्क का व्यू। गजब सा लग रहा है, बादल वाला सीन बन रहा है, बारिश आने वाला लग रहा है। चलते हैं अभी आपको उधर दिखाते हैं कहाँ पर है ना रेजर लाइट का शो होता है, वो जगह दिखाता हूँ आपको। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो जगह है ना यहाँ पर फाउंटेन होता है, बहुत बढ़िया जगह है ये। और ये पूल पार करना पड़ेगा, पूल टाइप का बना रखा है, एक बना रखा है उस साइड में एक इस साइड। तो पूल पार करते हैं और फिर चलते हैं ना। क्या आपका हालत ख़राब कैसे हो रहा है? गर्मी लग रही है। अच्छा तो 8 बजे शुरू होगा वाटर शो। ये देखो कितना गजब सा लग रहा है यहाँ से। अरे ये चीज देखा आपने, ये देखो गोदी में वो ले रखे बच्चे। इस तरफ का अंदर के साइड का अच्छा लगता है आने के बाद। और ये देखो हाथ के ऊपर हाथ दे रखा है। देखो इसके ऊपर बैठने को बोला है, उसमें लिखा हुआ है पूरा, टच करने का मना करो, उसके ऊपर जाके बैठ बैठ के फोटो खींच रहा है। तमीजी नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है जिनका बुद्धि थोड़ा कम होता है ना उनके लिए है ये वाला योगा। आप भी कर सकते हो ऐसा वाला, ऐसा वाला योगा करना, उल्टा लटक के मत था। चलो जोक्स का पार्ट गाइस, बहुत मस्त लग रहा है। चलो आपका एक दो फोटो खींच लेते हैं इनका। गाइस मेन वाटर शो जो होता है ना वो इस जगह पर होता है वाटर शो। उधर देखते रहे, उधर क्या हो रहा है, काफी क्राउड, पता नहीं वहाँ पर कितना क्राउड, क्या है, क्या हो गया, कोई लफड़ा हो गया होगा या कुछ हो रहा होगा, बट हाँ रात के टाइम भी देखने में मजा आएगा यहाँ पर है ना। और काफी अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है फाउंटेन वाला। वो वाला चीज देखो यहाँ पर बुद्धा जी है, उधर चलते क्या कैसा है। गैस बुद्धा जी नहीं है ये, कोई ये ऋषि मुनि बने हुए हैं। हाँ कोई ऋषि मुनि होगा, कुछ कर रहे होंगे, देखते हैं ना अंदर। हाँ ये देखो गैस कोई ऋषि मुनि होंगे ना, इनके हाथ से, मुझे मेरे ख्याल से लगता है इनके हाथ से ना पानी निकालता होगा। हाँ। इनके हाथ से पानी गिरता होगा इस वाले हाथ से, लग रहा है पाइप डाला हुआ है अंदर।
रात को जब होगा ना तब मस्त लगेगा ये चीज। इस साइड गाइस क्राउड देखो कितना ज्यादा क्राउड हो रहा है पार्क के अंदर, बहुत ही ज्यादा क्राउड है। दूर दूर से बंदे आते हैं ना इस चीज को देखने के लिए, वाटर शो। और यहाँ का जो चारों तीनों वेदों के बारे में बता रखा है ना, वो चीज के लिए है ना चीर चार। हाँ गाइस चारों वेदों के बारे में बता रखा है यहाँ पर इस पार्क में, इसलिए है ना दूर दूर से लोग आते हैं इस पार्क में घूमने के लिए, और खास करके रात को जो वाटर शो होता है ना उसके लिए, क्योंकि इसमें चार्जेस वार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, पार्किंग वार्किंग सब कुछ फ्री है, एंट्री वेंट्री, तो आप आ सकते हो। सेक्टर 101 पड़ता है ना मेट्रो स्टेशन नियर बाई, सेक्टर 101 हाँ, वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है, तो आप लोग आइए और इस पार्क के मजे लीजिए पूरा पूरा। बस लिटरली क्राउड देखो यहाँ से ऊपर से दिखता है कितना ज़्यादा क्राउड, चारों तरफ इतने सारे लोग है, बहुत ज़्यादा क्राउड। और यहाँ पर इस जगह पर खड़े होके देखते लेजर लाइट शो, बहुत गजब सा लगता है यहाँ से देखने में। गैस हम तो बाहर निकल गए क्योंकि बहुत क्राउड हो रहा है यहाँ पर, और हम एक नंबर गेट से अंदर गाड़ी लगाएंगे क्योंकि गाड़ी पूरा दबा के लगाता है सब। इधर गाड़ी का हालात देख सकते हैं कितने सारे पार्किंग बाहर हो रखा है, तो अंदर लगाएंगे गाड़ी और देखते इंतज़ार करेंगे हम लेजर शो का, है ना वाटर शो का इंतज़ार करते, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर नहीं देखेंगे फिर चले जाएंगे और कुछ खा पी लेते। और एक नंबर गेट पे बहुत सारे खाने पीने का चीज़ लगा हुआ है, तो वहाँ चलते कुछ खा पी लेते। A few moments later. Guys, एक चीज देखो सामने से कुछ पता लग रहा है क्या है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है ना, आ जाओ साइड से दिखाते, ये देख कितने गजब से लग रहे हैं ना, हाँ बाब ना मस्त लग रहा है ना, साइड से पता लग रहा है क्या है बट सामने से बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। गाइस सामने से बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है क्या है, स्टील का बना हुआ है, इस साइड से भी पता लग रहा है अच्छा मुनि ऋषि का है, मुनि ऋषि का स्टेचू बना हुआ है, बहुत गजब सा बना हुआ है गाइस। बहुत मजा आया गाइस पार्क में, बहुत मजा आया गाइस। फाउंटेन चालू हो गया और अब देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है फाउंटेन चालू होने के बाद। फाउंटेन चालू होने के बाद है ना पार्क की टेम्परेचर बहुत हद तक कम हो गया है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है, बारिश की फुहार आ रहा है। एक चीज गाइस और दिखाता हूँ, ये देखो परी कितना क्यूट सा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है ऐसे प्यारा लग रहा। चलो गाइस तो गाइस फाउंटेन देखते नज़दीक जाके, क्योंकि हम वाटर शो के इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रात हो जाएगी 8 बजे तक, क्योंकि घर भी जाना है हमारे नोएडा सेक्टर 78 में, तो चलते फाउंटेन के पास। गाइस जब वाटर शो चालू होगी ना तब लगेगा बहुत गजब सा, और पूरा बादल बदल बन गया है, ऐसे लग रहा है बारिश आने वाला है बहुत जल्द। इतना ज्यादा क्राउड है कहीं मेले से कम नहीं है, ये देखो बस चारों तरफ जहां देखो वही लोग खड़े। इस साइड तो और भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट स्टेडियम की तरह बना रखा है यहाँ, ये है गाइस। और इस जगह पर होने वाला है वाटर शो जो थोड़ी देर बाद क्या 8 बजे स्टार्ट होगा। तो गाइस ये था पार्क की मेन है ना, और चलते गाइस ब्यूटीफुल पार्क है, और अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है 101 और वहाँ से 500 मीटर की दूरी है ये पार्क, तो आ जाइए और आप देखिए पार्क को। तो गाइस हम तो निकाल दें इस पार्क से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।